रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। यहाँ आज मुगल्स कॉलोनी में एक वाकया हुआ। गंजटियों की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर, आवाम ज़्यादा बहुत परेशान है। आज मेरे खुद के भाई, छोटे भाई इनो एम आई एम मैलारदेपल्ली डिवीज़न वाइस प्रेसिडेंट है। आज इनके जैसे लीडरों को नहीं छोड़ रहे वो लोग, तो आम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये गंजटियों का आखिर कब तक चलेगा। ये पुलिस वालों को, पुलिस वाले जितने भी है, पुलिस वाले आके राउंडिंग कर रहे हैं, जब भी इनकी गाड़ी देखते फिर भाग जाते। जैसा राउंडिंग होते कि फिर दोबारा वहाँ पर आ जाते। वहाँ पर क्या है, हफ्ता वसूली करना, गांजा मारना, पैसे नहीं है तो स्नैचिंग करना। ये जो मुगल्स कॉलोनी का जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होता, और जो बच्चियाँ जाते हैं वहाँ पर बच्चियाँ के तो हाथा पकड़ के छेड़म छाड़ी करना। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये गांजा इतना खतरनाक चीज़ है, यहाँ पर पूरे नौजवान बच्चों को बर्बाद कर दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, मुगल्स कॉलोनी मैलारदेपल्ली में ये जितने भी गंजटियाँ हैं, आज जो हमला करे, इससे पहले भी जो हमला करे थे, जो जख्मी करे थे, जो पेट से पेट पे यहाँ पर जब मारे थे, जब वो गरीब लोगों को पूरा फट गया था, उस्मानिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला और उनका भी FIR दर्ज था। दो दिन पहले ही वो जो वापस आया था, वो छुटके वही केस में से वापस आया था, फिर दो दिन के बाद फिर शुरू करना हुआ। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, तो ये जो गंजटियों का ये जो हलचल जैसा चलेंगा, पब्लिक के जो आवाम के ऊपर जो जितम कर रहे हैं लोग, जो चाकुआ तीन तीन चार चार चाकुआ जेब में रखे फिर रही, कोई भी कुछ बोलते कि चाकू मारना स्टार्ट कर दे रही, कुछ भी अटैक कर दे रही, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर ये गांजा मारने वालों को पकड़ के जो है ना PS को लाइए, PS को ला के सख्त से सख्त सजा दीजिए। ऐसा नहीं तो ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम? हाँ, ये जो हुकूमत है, हम हुकूमत को जाके सुबह में उन लोग पकड़ के लेके जाते, शाम तक बिठा के छोड़ देते बोरे। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है, ये गंजटियों का? तो इसी वजह से मैं बोलना चाह रहा हूँ, गंजटियों को लेके आके जो अच्छी सी खातिरदारी करिए, आप लोग खातिरदारी करें, के जो केसेस है केसेस बुक करके जो है ना जेल को भिजाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पुलिस कॉपरेट कर रही, पुलिस और एक बात यहाँ जो है ना, मुगल्स कॉलोनी मैलारदेपल्ली में जो है ना, इधर मैलारदेपल्ली जितना भी है, महफिल होटल एरिया जो भी है, आज तक कॉटन सर्च नहीं हुआ है। और साबिराबाद कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कॉटन सर्च करवाए। और एक जो है ना, ये जितने भी जो गंजटिया लोग हैं, मेरे को जो है ना फ़ोन करके बोल रहे हैं कि रॉडी शीट है हम लोग, तो तुम्हारा कत्ल कर देंगे, तुम जहीं भी रहें दो, कहीं भी मिलने दो, अकेले में तुम लोग को कत्ल कर देंगे, वो बोल के अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी मैं देखा तो जो है ना पीछे पीछे आ रहे थे हम लोग, मैं देखा तो जो है ना ऑलरेडी भाग गए वो लोग पकड़ के। जब पुलिस वाले जो है ना अच्छा कॉपरेट करे, पुलिस वाले आए साथ आके पूरा एरिया फिरे, जैसा पुलिस वालों को देखते ही भाग जा रहे हैं, फिर पुलिस वाले रिकॉर्डिंग है, मैं पुलिस वालों को आपको भिजा देता हूँ, आपको अगर आपके उनके थ्रू आपके पास मिल जाती है इंशाल्लाह। इसके भी कंप्लेंट कराए जो आपको धमकी? नहीं, अभी कंप्लेंट करा रहा हूँ मैं अभी। अब आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होना चाहिए? जो आप मोहम्मद बाबर है, मैं मुगल्स कॉलोनी मैलारदेपल्ली में रहता हूँ, मैं मैलारदेपल्ली में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं तो तीन बच्चों के ऊपर खातिलाना हमला करे गंजेडिया, वो बच्चे मेरे को फ़ोन करके बुलाए, भाई ऐसा मारने कैसे आ रहे हैं, मैं ऐसा 100 डायल करा, जरा आप आइए बोले, तो मैं आके बात करने कैसे आया। तो उन लोग समझा रहे, गंजेटियाँ सामने थे समझा रहे, तो पुलिस वाले आए, पुलिस वाले कॉपरेट कर रहे थे हम लोग को, गंजेटियों को समझा रहे, गंजेटियाँ जो है मेरे पे अटैक कर दिए, तेरा मर्डर कर डालता हूँ, पूरी बस्ती बोल रहे थे फिर मेरा मर्डर कर डालता हूँ। बल्कि मैं आया, अली साहब को कंप्लेंट दिया, ASI साहब को, अली साहब को कंप्लेंट दिया, उन्होंने मेरे कॉपरेट करके पूरा जब से मेरे को लेके फिर रहे, पूरा बस्ती ढूंढ रहे, उन्हें नहीं मिल रहा है, उन लोगों के नाम नहीं मालूम, अननोन परसेंट है, गंजेटियाँ हैं, अननोन परसेंट है। कहाँ पर हुआ और कितने बजे हुआ? ये मुगल्स कॉलोनी में हुआ, 9:30 बजे वो बच्चों पे अटैक हुआ। मैं जो है 10 बजे कुछ गया, मेरे फोन आया, बच्चों पे अटैक हुआ, तीन बच्चों पे अटैक हुआ, मैं 10 बजे गया मैं वहाँ पे, वो बच्चे खाली बैठे, कहीं और लड़ लेके आए लोग, वो लड़ लेके आए, वो बच्चों पे नहीं कर रहे थे ना, आके पीने के ऐसे पैसे, गांजा मारने के ऐसे पैसे, वो नहीं मिल के उन लोगों को मार रहे थे, वो बच्चों को मारे बाद में उन लोग चाकुआ निकाले बाद में बच्चे भागे, वो बच्चे मेरे को बोलने से 100 डायल करके पुलिस वालों को बुलाया, मैं पुलिस वाले कॉपरेट करे हम लोग अच्छा, वो बच्चे जो है भागे, गंजेटियाँ भागे, अब उन्हें फोन आ करके ब्लैकमेल कर रहा, मर्डर कर डालता हूँ मेरा नहीं जीने, तो मेरे को बोल के साफ बोल रहा हूँ। हमेशा होता है या पहली बार हुआ ऐसा? नहीं, वो पुलिस तो फिर भी राउंडिंग कर रही है, मुगल्स हमला कंप्लेंट दी है पुलिस, लेकिन गंजेटियाँ नहीं मिल रहा टाइम पे, जो है हलचल अब रातों में कर रहे लोग, पुलिस फिर भी उन लोग कैसे, उन लोग नहीं मिल रहे पुलिस को, पुलिस भी ढूंढ रही उन लोगों को, यानी कि पेट्रोलिंग होती, पेट्रोलिंग अच्छी होती माशाल्लाह, बावजूद वो लोग पुलिस को चकमा देते अंदर कहाँ कहाँ मार लेके आते नहीं मालूम, चकमा देते पुलिस को, पुलिस की पेट्रोलिंग हर हमेशा होती अच्छी खासी। अब ये लड़ाई की वजह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नशा है, नशा करके अटैक कर रहे हैं, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा उन्होंने मेरे को। आइए, आप कुछ बोला।